कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ 2018-19 के लिए अपने 6 करोड़ से भी ज्यादा अंशधारकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ का ब्याज दर को 8.55% पर बरकरार रख सकता है। ये दर 2017-18 में लागू ब्याज दर के बराबर है। सूत्रों के मुताबिक ईपीएफओ की बैठक में चालू वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर का प्रस्ताव एजेंडे में शामिल है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। अंशधारकों को पिछले वित्त वर्ष में भी पीएफ जमा पर 8.55% की दर से ब्याज मिला था। ये 5 साल में सबसे कम है। सूत्रों के मुताबिक ईपीएफओ की आय का अनुमान ट्रस्टीज के लिए जारी नहीं किया गया है। इसे बैठक के दौरान पेश किया जाएगा। ईपीएफओ ने नवंबर 2018 के लिए नौकरी का आंकड़ा 23.44% घटा दिया है। पहले इसने कहा था कि 7.16 लाख नए खाताधारक जुड़े हैं, अब इसे संशोधित कर 5.8 लाख कर दिया गया है। सितंबर 2017 से नवंबर 2018 तक का आंकड़ा भी 73.5 लाख से घटकर 65.15 लाख किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।